बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली में भीड़ बेकाबू हुई है। दोनों नेताओं के पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई। फूलपुर में बिना बोले निकले राहुल और अखिलेश यादव, बिना बोले निकल गए, लोगों ने तोड़ी बैरिकेडिंग। प्रयागराज में भी जनसभा में भीड़ बेकाबू हुई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश राहुल की रैली में भीड़ बेकाबू हुई। दोनों के पहुंचने पर भीड़ वहां पर बेकाबू हो गई। देखिए, समाजवादी पार्टी का झंडा हाथ में लिए यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, भीड़ नजर आ रही है। फूलपुर में बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना लोगों को संबोधित किए राहुल और अखिलेश यहाँ से लौट गए। जिस तरह से भीड़ बेकाबू हो गई, बैरिकेडिंग तोड़कर ये आगे बढ़ गए। जनसभा में भीड़ आई थी जिस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, जिसके बाद राहुल और अखिलेश रैली को संबोधित किए बगैर ही निकल गए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस संयुक्त रैली यहां पर होनी थी, संयुक्त रैली का आयोजन हुआ था और यहां पर आप देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे, हाथों में झंडा लिए नजर आएंगे और ये दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि कंट्रोल नहीं किया जा सका और उसके बाद हालात को देखते हुए अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों ही बिना कुछ कहे, बिना संबोधन के ही लौट गए। प्रयागराज के फूलपुर में दोनों की संयुक्त रैली होनी थी। सर्वेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, क्या जानकारी है? संयुक्त जनसभा थी, संयुक्त रैली थी, कुछ भी नहीं कहा दोनों नेताओं ने और लौट गए, ऐसी स्थिति क्यों बन गई? देखिए, छठे चरण में प्रयागराज की दो लोकसभा सीटों फूलपुर और इलाहाबाद पर मतदान होना है और इसके लिए आज सुपर संडे था। तमाम सियासी नेताओं ने आज अपनी अपनी रैलियां यहां अपने प्रत्याशियों के समर्थन में की थी। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, सपा प्रत्याशी जो वहां फूलपुर से हैं, अमरनाथ सिंह मौर्य के समर्थन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के पड़िला में होनी थी, लेकिन वहां पर आज जनसभा स्थल पर एक भगदड़ का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि मंच पर जब अखिलेश यादव भाषण देने के लिए पहुंचे, उस वक्त वहां पर माइक बंद हो गया और बेकाबू भीड़ उनको सुनने के लिए मंच की तरफ बढ़ी। वहां पर बैरिकेटिंग टूट गई और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। दर्शक हमारे विजुअल में देख सकते हैं किस तरह से लोगों की चप्पलें वहां पर बिखरी पड़ी हैं, तमाम लोगों की टोपियां, झंडे वहां पर बिखरे पड़े हैं और नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को बगैर जनसभा को संबोधित किए वहां से वापस लौटना पड़ा। हालांकि दूसरी जनसभा उनकी मुंगारी में करछना में होनी है, जो कि इलाहाबाद संसदीय सीट के लिए होनी है, लेकिन वहां पर फूलपुर की जनसभा में अखिलेश यादव और ठीक है। धन्यवाद सर्वेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बिजली का कनेक्शन कट गया जिसकी वजह से राहुल और अखिलेश को सुनने के लिए भीड़ मंच की तरफ पहुंची, बेकाबू हो गई, तो हालात ऐसे बन गए कि दोनों को बीच में ही यहां पर रैली को छोड़कर निकलना पड़ा। हालांकि इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का ही रिएक्शन अभी आना बाकी है। भाषण के ही वापस निकले हैं, भीड़ वहां पर बेकाबू हो गई है। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।